अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट। ओके बच्चों, आज से हम अपना रिमेनिंग जो हमारा चैप्टर रह गया था उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। हमने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया था, हम देख रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। कुछ हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लिए थे, अब रिमेनिंग जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रहते हैं हम उनको स्टडी करेंगे। बट जब फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, वो ये फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो आपस में मिलते जुलते ही होते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है इनके दरमियान। तो इसलिए एमसीक्यूज के अंदर इनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसका है, ये एस्टर है, ये ईथर है, ये एल्डिहाइड है या कीटोनिक है, ये एक मुश्किल काम हो सकता है सिर्फ इस सूरत में अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस ना की हो। तो बेसिकली ये बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस करनी है और बहुत बार करनी है। कोई आपको फंक्शनल ग्रुप कोई सा भी दे दे, कोई आपको कोई भी कंपाउंड दे, तो आप लोग फटाफट से गेस कर लो, उसके नाम से गेस कर लो कि ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, कौन सा इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होगा तो प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेन एम्फसाइज आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर करना है कि आप लोग फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर अच्छी तरह अपनी ग्रिप मजबूत कर लो, ठीक है, ताकि आप लोग जब इसको आगे कंटिन्यू करो फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, या उसके बाद अगर आप लोग बीएस भी कर रहे हो तब भी आपके लिए ये बेनिफिशियल है। तो बच्चों आज हम देखते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जो हम देखेंगे वो है ईथर लिंकेज। बेसिकली ईथर लिंकेज के अंदर दो अल्काइल चेन्स होती हैं, R एंड R डैश, और ये दोनों अल्काइल चेन्स सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ बाइंड होती हैं। ठीक है, ठीके? एक तरफ ये वाली अल्काइल चेन होती है R वाली और एक तरफ दूसरी होती है। ठीक है, अब अल्काइल चेन से मुराद क्या है कि यहाँ पर आप लोगों ने जो अल्काइल हैलाइड्स मैंने आप लोगों को समझाए थे कि किस तरह एक हाइड्रोजन होता है वो लूज होता है और आपके पास अल्केन से अल्काइल बनता है, सेम इसी तरह यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन जो होता है वो अल्काइल रेडिकल के साथ बाइंड कर जाता है। दो आपके पास चेन होती हैं अल्काइल की, एक R होती है और एक R डैश होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि R डैश इसके ऊपर नाम है तो ये थोड़ी सी कोई यूनिक होगी, नहीं बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने ऊपर R डैश कर दिया। आप लोग इसको R1 और R2 से भी याद कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि आपके पास R जो है वो क्या है, अल्काइल ग्रुप, और मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप बताए थे किस तरह अल्काइल ग्रुप बनते हैं, किस तरह अल्काइल रेडिकल हम लोग जनरेट करते हैं। तो ये जो R O R है इसके अंदर R जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे और उसकी थोड़ी सी नेमिंग भी देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि बेसिकली जो आपका नेमिंग वाला सिस्टम है वो है IUPAC के अंदर, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आएगा या उससे ज़्यादा आप लोग सेकंड ईयर में उसको स्टडी करोगे कि किस तरह किसी भी स्पेसिफिक कंपाउंड को नेम किया जाता है। अभी आप लोगों के पास सिलेबस में नहीं है तो मैं इसके ऊपर आप लोगों को फोर्स भी नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा एक मुश्किल काम है। आपके सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, जो एग्जाम्पल आपकी बुक पे लिखी हुई है वो लिखी हुई है CH3O CH3। देखिए बच्चों यहां पर क्या है, CH3 आपके पास क्या है, ये एक अल्काइल है। ठीक है, एक अल्काइल रेडिकल है, किससे बना है, CH4 से, इसमें से एक आप लोगों ने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया आपके पास CH3 आ गया, तो मींस कि ये एक आपके पास R है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, O है, और उसके बाद दोबारा आप लोगों के पास अल्काइल है R CH3। ठीक है, मैंने अभी भी आपको बताया कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो CH3O CH3। अब यहाँ पर आप लोग ने बात हमेशा याद रखनी है बच्चों कि आपने जब भी सेंट्रल मेटल के साथ जब भी किसी अल्काइल ग्रुप को साथ लगाना है तो आप लोग ने कार्बन के साथ बॉन्डिंग करनी है, मींस कि आप लोग ने हमेशा याद रखना है कि COC, ये जो भी फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के साथ बनेगा वो बेसिकली कार्बन के साथ बाइंड कर रहा होगा, इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, हाइड्रोजन के साथ नहीं बना रहा होगा। कभी भी आप लोग ने इसको इस तरह नहीं लिखना CH3O H3C, ये रोंग होता है। ये वाला करेक्ट मेथड है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है या कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या कर रहा है, वो बॉन्ड कर रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ, और कार्बन के साथ मींस के अल्काइल ग्रुप के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उसके साथ इसकी बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, और अगर हम इसकी नेमिंग देखें तो बच्चों देखो नेमिंग का सबसे मैं आप लोगों को सिंपलेस्ट वे समझाती हूँ, वो ये देखो कि आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से लगे हुए, मींस कि आपके पास R कौन सा है। अब यहाँ पर आपके पास मिथाइल है, एक मिथाइल, और ये भी आपके पास मिथाइल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास कौन सा हो गया है, ईथर। ठीक है, और R R आपके पास क्या है, मींस के अल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। अब देखो यहाँ पर एक आप लोगों के पास ये मिथाइल है और दूसरा मिथाइल ये है,
और तीसरा पे मींस के आप लोगों ने पहले आर आर के नाम लिखे, मींस के पहले आप लोगों ने अल्काइल ग्रुप के नाम लिखने हैं और उसके बाद आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप बताने हैं। तो देखो बच्चों, एक ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल है। आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ को जब डोनेट करते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ रोमन काउंटिंग होते हैं, जैसे डाई होता है, ट्राई होते हैं, सेम इसी तरह। तो इसका नाम होता है डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल आर आर का नाम और ईथर से हमें कैसे पता चला कि आर ओ आर की लिंकेज हुई है, ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ईथर लिंकेज की वजह से। सेम इसी तरह अगर हम अपना अल्काइल ग्रुप चेंज कर लेते हैं, सपोज आप देखो इसके अंदर भी सेम आप लोगों के पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या बनेगा। सेम इस तरह यहां पर मिथाइल था पहले, क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास क्या था, CH3, ठीक है। अब यहां पर क्या है आप लोगों के पास, इथाइल, तो इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल ईथर। कितना इजी है, कितनी आसानी से आप लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, मैं सारे बुक्स वाले आपको इस वजह से करवाऊंगा कि आप लोगों को लर्न करने में आसानी हो, ठीक है। क्या कर लेते हैं हम, देख लेते हैं, एक तरफ आप लोगों के पास मिथाइल रख लेते हैं और दूसरी तरफ इथाइल रख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके पास मिथाइल है फर्स्ट आर के ऊपर, फिर ओ है और सेकेंड आर के ऊपर आप लोगों के पास इथाइल। अब मैंने आप लोगों को बताया ना कि इनका एक क्राइटेरिया होता है, इनको नेम करने के लिए एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है, एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि आप लोगों ने इसको इस तरह नेम करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास पहला मिथाइल है फिर इथाइल है। मेन असूल क्या होता है कि जो चीज़ पहले आती है हम उसको पहले लिखते हैं, लेकिन नहीं, IUPAC के अंदर ये असूल होता है कि ABC के थ्रू लिखना है, मीन्स कि जो भी चीज़ पहले आ रही है अल्फाबेट्स के अंदर। तो आपको पता है कि M से पहले E आता है, तो हम इसको लिखते हैं इथाइल मिथाइल ईथर, सिंपल। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी। किस चीज़ की समझ नहीं आती है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप लोग मुझसे बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। और ये पेपर वाले दिन समझ वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ये पहले चीज़ें समझने की होती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल लेक्चर देती हूँ। मेरे आप लोगों ने लेक्चर देखे होंगे 10 मिनट के नहीं होते हैं, अक्सर जो मेरे लेक्चर होते हैं वो 15-20 मिनट या 25 मिनट के भी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि मैं जितनी कोशिश, जितने मेरे पास नॉलेज है, जितने मेरे पास इल्म है, वो मैं सारा का सारा आप लोगों को ट्रैवल कर दूँ, सारा का सारा आप लोगों को दे दूँ, ठीक है। तो मेन फोकस आप लोग इस पर किया करो कि मैम हमें समझा कैसे। बच्चे जो होते हैं, हम पता है आपके स्टेज के, हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि हम शॉर्टकट्स ले लेते हैं। नहीं बच्चों, शॉर्टकट की अभी उम्र नहीं है, अभी आप लोग सारी चीज़ें पूरी पूरी याद करो ताकि आप लोगों को आदत बने, आप लोगों की आदत मजबूत हो कि हमने चीज़ें पूरी याद करनी है, इनको छोड़ना नहीं है। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट फंक्शन ग्रुप जो हमने आज डे किया। सेकेंड में बच्चों हम देखते हैं अपना फंक्शन ग्रुप जो कि है कार्बोक्सिल ग्रुप। बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में सबसे पहले जो मैं आपको आइडेंटिफाई करवाना चाहती हूँ कि जो आप लोगों को समझने की चीज़ है, जो आप लोग हमेशा अपने जहन में रखोगे, वो ये कि बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ऐसा फंक्शन ग्रुप होता है जो कि प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, ठीक है, या फिर आप लोग कह लो किसी भी एसिडिक चीज़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आंट जो होती है, जो मतलब कि चींटी जो होती है, वो क्या होती है, वो एसिडिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, आंट के अंदर, और उसके अंदर यही फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड के अंदर। सपोज हम ऑरेंजेस देखते हैं, एप्पल्स देखते हैं, बनाना देखते हैं, ये सारी क्या है, कुछ एसिडिक फॉर्म, माइल्ड एसिडिक कह लो आप लोग, ठीक है। योगर्ट देखते हो, उसके अंदर भी थोड़ा एसिडिक कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसके अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ये सारे के सारे, ये सारे के सारे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इनके अंदर मेन जो ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली इनको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऐसे एसिड जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहा जाता है। अगर बच्चों हम देखें इनका फंक्शन ग्रुप जो कि इनमें प्रेजेंट होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ और OH। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो आप लोगों को याद होगा कि अगर यहाँ पर से हम O हटा दें, मीन्स कि OH के साथ से ये वाला O जो है इसको रिमूव कर दें, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन ग्रुप बन जाता है। जस्ट रिमेंबर, अगर आप लोगों को याद है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बच्चों ये बन जाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाता है। और अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ और OH, ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
ठीक है। और अगर हम इनको अल्काइल फॉर्मूला में देखें, मींस कि अगर हम अल्काइल के एडिशन कर दें तो कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर R आ जाएगा, R सी डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड O और फिर ये R अल्काइल ग्रुप, तो ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक जनरल स्ट्रक्चर बन गया, फ्रेमवर्क बन गया। अगर हम यहां पर अल्काइल ग्रुप के अंदर एडिशन कर दें किसी भी अल्काइल की, ठीक है, सपोज हम देख लेते हैं H के एडिशन कर देते हैं, सिंपल अगर हम यहाँ पर सिंपल एक H के एडिशन करते हैं तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड जो के पाया जाता है एंड्स के अंदर, जिसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। सिंपलेस्ट फॉर्म जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, या सबसे जैसे हम कहते हैं मीथेन जो है वो सबसे लोएस्ट मेंबर है अल्केन्स के अंदर, सेम इस तरह कार्बोक्सिलिक के अंदर सबसे लोएस्ट मेंबर जो है वो फॉर्मिक एसिड है। सेम यहाँ पर अगर हम एडिशन करते हैं किसी की CH3 की, सीरल बॉन्ड O और OH, तो बच्चों ये बन गया आपके पास एसिटिक एसिड जो कि प्रेजेंट होता है किस चीज़ के अंदर, विनीगर के अंदर, सिरके के अंदर, इसको कहा जाता है एसिटिक एसिड। इसके अंदर क्या डाला आप लोग ने, CH3। इसका नेमिंग क्राइटेरिया भी होता है कि ठीक है आप लोग ने पहले इसको नेम करना है, फिर आप लोग ने फंक्शन ग्रुप रखना है, लेकिन बच्चों इसको नेमिंग क्लासिफिकेशन या इसका नेमिंग क्राइटेरिया बहुत बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये बच्चों को समझाना भी एक तो बहुत मुश्किल है और बच्चों के लिए लर्न करना भी बहुत मुश्किल है। सपोज जैसे एसिटिक एसिड का जो नेमिंग क्राइटेरिया है वो है एथेनोइक एसिड, ठीक है, और फॉर्मिक एसिड को कहा जाता है मेथानोइक एसिड। आप लोग आप कहोगे मैम यहाँ पर मीथेन का तो जिक्र ही नहीं है, CH3 तो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो बच्चों ये थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ है इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। आप लोग अपनी बुक पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि फॉर्मिक एसिड को मेथनोइक एसिड भी कहा जा सकता है और एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहा जा सकता है। अब बच्चों लास्ट हम बात करें फंक्शन ग्रुप की जो कि आता है एस्टर लिंकेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके रिएक्शन बहुत होते हैं, इसको आप लोग ने जरा गौर से समझना है। अगर बच्चों हम इसका जनरल स्ट्रक्चर बात करें या फ्रेमवर्क की बात करें तो ये होता है R C डबल बॉन्ड O और O R, ये आप लोग ऐसे देख लो यहाँ पर डैश, ठीक है, सेम इस तरह R C डबल बॉन्ड O और O R, ठीक है, यहाँ पर पहले H था, अगर यहाँ पर H आ जाएगा तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पर कोई भी अल्काइल रेडिकल आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एस्टर लिंकेज, ठीक है। इसको कहा जाता है क्या कि एस्टर फंक्शन ग्रुप बन जाता है और इसका के कंपाउंड जिसके अंदर एस्टर लिंकेज होते हैं उसको कहा जाता है एस्टर्स, ठीक है। अब आप लोगों के पास दो स्पेसिस हैं जहां पर आप लोग अल्काइल ग्रुप की एडिशन कर सकते हो। अगर हम यहां पर एडिशन करते हैं सपोज सिंपलेस्ट अल्काइल की मीन्स के मिथाइल की हम एडिशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है H3C सी डबल बॉन्ड O O CH3, ये आप लोगों के पास क्या बन गया, सिंपलेस्ट एस्टर बन गया, CH3 सी डबल बॉन्ड O और CH3, ये आप लोगों के पास एक अल्काइल ग्रुप और ये आप लोगों के पास अल्काइल ग्रुप और मेन ये बाकी फ्रेमवर्क किस चीज़ का, एस्टर का। इसका नाम जो है वो है बच्चों मिथाइल एसीटेट। बच्चों सेम इसी तरह जिससे मैंने आप लोगों को पहले बताया कार्बोक्सिलिक ग्रुप की नेमिंग बहुत मुश्किल है, इसकी नेमिंग भी बहुत मुश्किल है, मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि यहाँ पर दो दो फंक्शन ग्रुप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक एस्टर है, ठीक है, एस्टर जब मिलता है आप लोगों के साथ एक फंक्शन ग्रुप के साथ तो ये हमारे पास एक एस्टर बन जाता है, ठीक है, ये ईथर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये सारे मिलकर आपके पास ये एस्टर बनाते हैं। ये मैं आप लोगों को कन्फ्यूज इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग फिर घबरा जाओगे मैम ने इतना पढ़ा दिया ये तो हमारे सिलेबस का नहीं था, ठीक है, तो मेन आप लोग यही रहो कि आप लोग अपनी बुक के ऊपर हो, ठीक है। तो इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। अगर हम बात करें मींस कि हम और एडिशनल किसी भी हम अल्काइल ग्रुप की बात कर देते हैं, यहाँ पर हम एडिशन कर देते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड O O C2H5, बच्चों ये आप लोगों के पास एक नया एस्टर बन गया है जिसका नाम है इथाइल एसीटेट। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए समझा भी देती हूँ, ठीक है, आप लोगों ने इसको सर पे से वार नहीं करना, समझना है सिर्फ आसानी से। बच्चों देखो अगर CH3 सी डबल बॉन्ड O और O देखो, मैंने सबसे पहले स्टार्ट के अंदर वीडियो को आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास फंक्शन ग्रुप था सी डबल बॉन्ड O और OH, ये किस चीज़ का था, ये था आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। अगर हम यहाँ से H को रिमूव कर दें और यहाँ पर हम R की एडिशन कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है एस्टर। तो बच्चों आप लोग ने देखना है कि एस्टर के अंदर क्या होता है कि एक आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जब हम H की रिप्लेसमेंट कर देते हैं मीन्स कि H जब रिप्लेस हो जाता है किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ तो आपके पास क्या होता है कि वो एक एस्टर बन जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि देखो यहाँ पर आप लोग
एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये था ना एसिटिक एसिड का, और इसको हमने कहा था कि इसको एसिटेट भी कह सकते हैं। ये था आप लोगों के पास फॉर्मूला CH3 डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, H को रिमूव किया, जो कि यहाँ पर नजर भी आ रहा है, यहाँ से हमने H को रिमूव किया और यहाँ पर हमने एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया जो कि किस चीज़ का है, इथाइल का है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि जो आपके पास नया एडिशनल अल्काइल ग्रुप आया है इसको यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दिया फर्स्ट नेम के अंदर इथाइल, और बाकी जो रिमेनिंग आपके पास रह गया है वो क्या था, वो था एसीटेट। एसीटेट क्यों बोला इसको, क्योंकि जब इसके अंदर से एक एच यहाँ से रिमूव हुआ है तो ये बन गया है CH3CO-, ये एक एसीटेट आयन बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप आके लगा है तो ये क्या बना है, सपोज यहाँ पर इथाइल लगा है आके अल्काइल ग्रुप, तो ये हमारे पास बन गया इथाइल एसीटेट। सेम इसी तरह मिथाइल एसीटेट हम लोग ने भी पढ़ा। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म है नेमिंग के लिए एस्टर की। आई होप सो कि आप लोगों को कुछ समझ आई होगी, कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। ठीक है, आपकी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन आई होप सो कि समझ आ गई होगी। तो ये था बच्चों आप लोगों का बेसिकली फंक्शन ग्रुप्स के बारे में। अभी एंड नहीं हुआ, अभी हम कुछ और फंक्शन ग्रुप्स भी स्टडी करेंगे जो कि ग्रुप में मेंशन है। तो आज के इतना ही, आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, किसी चीज़ की समझ नहीं आई है डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और एक अच्छे से कमेंट भी लास्ट में करें। तो कल मिलते हैं एक नई एक्साइटमेंट, तब तक के लिए फिर मनेला।